नादीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आप पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। वो हमें दुनिया और आखरत की सआदत से मालामाल करना चाहता है, लेकिन इंसान अपने नफ्स के बहकावे में आकर, शैतान के बहकावे में आकर, दुनिया के फितनों का शिकार होकर, गलत सोहबतों से मुतासिर होकर वो सआदत वाली ज़िंदगी बसर नहीं करना चाहते। इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पांच वक्त अपने घर में बुलाकर रात की आखिरी पहर में समाए दुनिया पे नाजिल होकर हफ्ते में जुमा के दिन हाजिर करके बार बार रब्बुल आलमीन असल मकसद की तरफ लाना चाहता है। ऐसे ही हमें एक ऐसा महीना अता फरमाता है जो महीना सारे महीनों का सरदार है। जिस तरह से दरख्तों के पत्तियां पतझड़ के मौसम में दरख्त से जुदा होकर नई पत्तियां लिबास के तौर पर दरख्तों पे आती, इसी तरह से ख्वाहिशाते नफ्स की पैरवी करते करते शैतान लईन के फंदों में फंस करके गुनाहों में लतपत हो करके जब हम अपनी असल डगर से, अपनी जिंदगी की असल राह से हट करके गुनाहों और मासियत की जिंदगी बसर करना शुरू करते हैं, तो रब्बुल आलमीन हमें ये माह मुबारक अता फरमाता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी अजीम नेमत है, कितना बेहतरीन मौका है, इसकी क्या खुसूसियात हैं, इसकी क्या अहमियत है, ये जानने की कोशिश करते हैं। जानिए इस रमजान, इस माह मुबारक की अजमत और खुसूसियात शेख निसार अहमद मदनी के साथ पूरे रमजान हर रोज दोपहर 4:30 बजे से सिर्फ आई प्लस टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए।